दोस्तों स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज नेटवर्क में। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में हैं जो पूर्वांचल की हॉट सीट मानी जाती है और यहां पर कल ही चुनाव है और यूपी में 13 सीटों पर चुनाव होना है और कल जो चुनाव है तो आज हम घोसी के मतदाताओं से कुछ बात करेंगे, इनके जहन में क्या चल रहा है, आइए इनसे बात करते हैं। जी आपका शुभ नाम? रितेश सरोशिया, एनवायरमेंटलिस्ट है, मतलब प्राणविद है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है और जगह जगह फाउंडेशन का कार्य करते हैं। तो घोसी में क्या माहौल समझ में आ रहा है? घोसी में मतलब सही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर है। अच्छा। और अब की बात जो 405 उनकी नारा है ये सफलतापूर्वक हो जाएगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में उन्होंने अभूतपूर्व योजनाएं दिया, उनकी नीतियां, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत तेजी से लोगों को जन जन तक पहुंचा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना घर घर मिला आज़ादी के बाद से, इस 2014 से लेकर 2024 तक के अंतराल में घर घर आवास मिला है। उन्होंने कोई जाति कोई मजहब नहीं देखे, रोटी कपड़ा मकान उन्होंने फोकस किया जिससे जनता जो है आत्मिक खुश होकर उनको वोट दे रही है। आपको लगता है कि इस बार भी उनको जनता वोट देगी? हाँ, बच्चा मोदी कह रहा है। अब तो विपक्ष लगातार हवा उड़ा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अरे भाई, उनके शासनकाल में इतनी महंगाई थी कि उनके शासनकाल में हम व्यापारी को सरेआम गोली से मार दिया जाता था, हफ्ता वसूली की जाती थी। आज हमारी गवर्नमेंट रात 12 बजे तक जाती और आती है। कल्पना थे, हाँ वैसा कोई नेता ही नहीं हुआ। हाँ देखिए, अगर वैसा नेता कोई हो जाए तब तो मऊ जिले का कार्य बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, आप तजुर्बेकार लग रहे हैं, कल्पना राय का जमाना आपने देखा है, कैसे थे वो? बहुत बढ़िया नेता थे, उनको लोग पगला कहते थे लेकिन वो पागल नहीं थे, जो पगला कहता था वो पागल था। कौन लोग थे जो पगला कहते थे? अरे और पार्टी वाले। कुछ काम उनका याद है आपको? बहुत सारे काम याद है, इंदारा में बस इंदारा में हवाई जहाज अड्डे का निर्माण किए थे लेकिन हवाई अड्डा अभी तक नहीं बना रहे होते तो बन गया होता। मऊ को जिला भी उन्होंने ही बनाया था क्या? हाँ उन्होंने बनाया, मतलब उसी तरीके का नेता आप लोग चाहते हैं कि इस बार आए? हाँ उसी तरीके का नेता चाहते हैं कि आए, लेकिन उनके जैसा नेता कोई है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है मऊ से बहुत से नेता हुए भाग जाते हैं बाहर। हाँ क्या कहेंगे वो, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो अपना जीत गए और अपना लखनऊ देखेंगे कि आएंगे अपना इलाका देखेंगे। आपको उम्मीद नहीं है? आप लग रहा है कोई मैं कल्पना रहा है, दूसरा नहीं? नहीं, दूसरा कल्पना रहा है कोई नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। क्या करते हैं आप? मजबूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं? वही 300-400 कमा लेते हैं, 300-400 में काम चल जाता है। नहीं चलता भाई, क्या करें, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्या है वजह कि मजबूरी इतना करेंगे तो पाएंगे, रोजगार कोई है नहीं, वो भी नौकरी मिलता नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। क्या लग रहा है जो 5 साल सरकार चली 10 साल कैसी रही? तो सरकार में भी रोजगार नहीं मिला भाई, रोजगार तो बिल्कुल नहीं मिला सरकार को, रोजगार कोई नहीं मिला हम लोगों को, बस वही कि 5 किलो मुफ्त में राशन मिला है बस। 5 किलो राशन कितने दिन चलता है? क्या चलेगा, 4 परिवार है, 1 हफ्ता चलता है। आवास वास तो दिए हैं? मिला नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज। क्या करते हैं? बाल काटते हैं नाई है जी। अरे तो एक नाई को तो राहुल गांधी ने फेमस कर दिया। कौन से काम वाले कौन भाई, क्या हुआ था? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार आ रही है? हमारा पूरा उम्मीद है कांग्रेस है। कांग्रेस में क्या वजह क्या है? कांग्रेस की इतना छाइए देंगे क्या बताए, आज तक जो भी मुद्दा उठाती है हम कहा कि आइए देखिए। पहली बात तो ये जो मस्जिद और मंदिर का मामला था, कांग्रेस की जब तक सरकार थी कुछ नहीं हुआ, हमेशा शांत था, लेकिन ये आते ही देख रहे हैं क्या।
क्या लग रहा है, कुछ बदलाव आएगा? बदलाव पूरा आएगा, लग नहीं रहा है एकदम समय से 100% आएगा बदलाव। राहुल गांधी 136 दिन पैदल यात्रा किए, क्या लगता है उसकी वजह से आएगा या नहीं? जितना अच्छा वो काम ही कांग्रेस की वजह से आएगा। राहुल गांधी की पैदल यात्रा तो मेहनत किया तो ये करेगा, लेकिन लगातार कांग्रेस को आना ही है। तो मोदी जी भी तो काम किए हैं, 5 किलो राशन दिए हैं, घर बना। 5 किलो तो कौन नहीं होता है, 5 किलो राशन से क्या होता है? आपका तो वो निकाल लेते हैं, उससे ज्यादा तो वो निकाल लेते हैं। बताइए तो क्या दिया उनके बारे में बताया जाए? हाँ, पूरा देश बेच के खा रहे हैं, पूरा सब कुछ तो दिखा ही रहा है व्हाट्सएप फेसबुक पे, आप तो देख ही रहे हैं। आपको जनता से क्या पूछने की बात है? आप तो सबको, अब तो आजकल तो सब मोबाइल पे ही दिखने को मिल जा रहा है। हाँ बताइए, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे दिए पूरा एकदम, तो 80 करोड़ लोगों को। 5 किलो राशन में क्या होगा, उतना तो मैं जानते हैं कि हम 2 ही दिन में हम खा जाते हैं अकेले रहकर, बाकी परिवार अपनी फैमिली 10 लोगों को कहाँ से चलाएंगे? बताइए सर, क्या लग रहा है परिवर्तन आएगा क्या? परिवर्तन इंशाल्लाह जरूर आएगा। गोसी में क्या माहौल है? गोसी में भी ठीक है, हर जगह कोपा मऊ सब जगह ठीक है। कौन जीतेगी, साइकिल हाथी? साइकिल जीतेगी। हाथी में क्या है? हाथी नहीं, साइकिल ही चाहिए राहुल गांधी के। सलमान तो पहले बसपा के साथ थे ना? हाँ तो थे, अब नहीं है। काहे हट गए? काहे हालात देख के हट गए हम लोग, क्या किया जाए, हालात ही ऐसी है। बसपा भी घोसी में बहुत मजबूत है। जो थी हम ये जानते हैं कि भैया पहले जैसा हिंदू मुस्लिम नहीं था, अब सब हिंदू मुस्लिम हो गया है। सब लोग पहले नेता नेती ये सब नहीं था कि ये इधर कर दो वो उधर कर दो, ये मुसलमान है ये वो है ये वो, ये सब नहीं था पहले। पहले ये था कि सब हम भाई हैं, ये था सब हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई थे हम लोग। अब तो ऐसा लग रहा है कि सब अपने आप में सब बढ़ गया है, कोई हिंदू है तो कोई चमार, कोई सिख, कोई कुछ कहे, सब अपनी ही अपनी जात बोल रहा है। सब सोच रहा है कि मेरी ही जात आगे निकल जाए, तो भाई सबकी जात ही आगे निकलेगी तो पीछे कौन रहेगा? बताइए चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम सुदामा चौहान है। क्या करते हैं भाई? 5 दुकान करते हैं। महंगाई के इस दौर में काम चल जाता है? अच्छा चल जाता है। क्या लगता है जो 10 साल सरकार रही ठीक थी? ठीक थी, विकास विकास किए हैं। हाँ, 5 किलो राशन भी दिए। हाँ, और क्या उपलब्धियाँ? उपलब्धियाँ किसान वाला दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन विधवा दे रहे हैं समय से, बिल्कुल कोई बात ना। हाँ सरकार बहुत वहाँ की महंगाई बेरोजगारी, अरे जाने दीजिए, तो सब आदमी जो है खेत में काम कर रहा है, पान की दुकान कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, तो खाने के लिए कमी नहीं है। मोदी जी देश को विश्व गुरु बना देंगे? हाँ बनाएंगे। राहुल गांधी को किस नज़र से देखते हैं? तो भाई कहने का मतलब कि उनका खानदान रास्ता होने गई तो ठीक रहे, मगर ये हफ्ते में उनका कहने का मतलब कहाँ सुनना। अरे 136 दिन पैदल चले हैं, 4000 किलोमीटर चले हैं, तो हम आने हम लोग के यहाँ ज़्यादा वही रहे। यहाँ गोसी में अरविंद राजभर आपके हिसाब से निकल रहे? हाँ हाँ, कड़ी पर जब दबाएंगे। हाँ कड़ी पर। उमा शंकर राय, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है गोसी में? साइकिल। अरे वो तो ताल ठोक रहे हैं अरविंद राजभर की, मैं जीत रहा हूँ। ठोकने दीजिए, साइकिल की वजह क्या है जीतने की जी? वजह क्या है? वजह है वो 14 के भाई 14 के चुनाव से आदमी क्षेत्र में एकदम जमे रह गए, कहीं आना न जाना न कुछ न कुछ एकदम जाए क्षेत्र में। हाँ, उन पर बाहरी होने का आरोप लग रहा है। कुछ है बाहरी तो बाहरी है, तब भी तो यहाँ के लोगों से अच्छा जो है घूम रहे हैं, बाहरी का काम। अरे वो तो PhD स्कॉलर है अरविंद राजभर, पढ़े लिखे हैं। तो ये भी तो पढ़े लिखे हैं, राजीव राय भी तो पढ़े लिखे हैं, उनसे भी कम पढ़े लिखे नहीं है। सुभाष, क्या लग रहा है घोसी में कल चुनाव है? सपा समाजवादी पार्टी, वजह यही कि 10 साल में कोई आज तक नौकरी नहीं बच्चों को मिली, कंसी हो या परीक्षा फेल हो जाए, लीक हो गया, ये हो गया वो हो गया, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहते हैं, 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं ना? राशन देख कर वो भविष्य लड़कों का बिगाड़ रहा है ना। अच्छा, आपको कोई विपक्ष कह रहा है 5 किलो राशन की जगह हम 10 किलो देंगे? राशन से मतलब राशन तो बंद कर दे बढ़िया। राहुल गांधी कह रहे हैं हर महीने 8,500 रुपया भेजेंगे महिलाओं खाते में, भेजे जाना भेजे। आपको लगता है यहाँ पर निकल जाएगी सपा? निकल जाएगी।
मैं इस वक्त घोसी लोकसभा में हूँ और इस वक्त हमारे साथ कुछ मजदूर साथी हैं जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि घोसी लोकसभा में इन्होंने क्या मन बनाया है। हमारा नाम तो सिराज अहमद। सिराज अहमद जी, कितना कमा लेते हैं? कमाया का मतलब क्या ही कमाया, 600-700 कमा लेते हैं। मजदूरी करते हैं जी, ठेला चलाते हैं, काम चल जाता है जी, काम चल जाता है, जितने में है उतना काम चल जाता है। खुश है फिलहाल? बिल्कुल, बहुत खुश है। वक्त आएगा वोट दे देंगे जी, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। क्या मूड बनाए, कैसे प्रत्याशी जो विकास करे, जो विकास करेगा उसी को देते हो? और आपको जाति और धर्म से मतलब नहीं है? कोई किसी से नहीं, जाति से मतलब नहीं है, हमको काम से मतलब है, काम मिलेगा तो करते हैं, जाति से क्यों नहीं मतलब। मुसलमान है तो भाई मुसलमान से काम करती रहेंगे, बिल्कुल। एक नेता थे यहाँ पर कल्पनाथ राय, उनको लेकर क्या आप कहेंगे? कल्पनाथ राय बहुत ठीक आदमी थे, बहुत अच्छे थे, हम लोग जिस काम के लिए गए उनके वहाँ वो हम लोग का काम भी करे, गोपागंज का लिए। हाँ, विकास बहुत अच्छा किए, मऊ का भी किए, गोपागंज का भी किए। मऊ को जिले से जिला बना दिया? बिल्कुल, मऊ को जिला भी बना दिया, कोपा में भी बहुत अच्छा काम किया। क्या लग रहा है आगे भविष्य में वैसा नेता पैदा होगा मऊ में? आप तो नहीं देख रहा है कि कोई होगा, जो भी आता है वो सब जीत के चले जाते हैं, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। जो पिछले वाले सांसद थे उन्होंने क्या किया? पिछले वाले सांसद थे वो भी कुछ नहीं किए, बस खाली जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता है, फिर चला जाता है। अच्छा, आप लोग मजदूर हैं, इस देश की रीढ़ कहा जाता है आप लोगों को, क्या हालत है इस सरकार में आप लोगों को? इस सरकार में ठीक है, कोई खराब नहीं सरकार है, अच्छी सरकार है। ठीक है जी, बिल्कुल। 5 किलो राशन मिल रहा है? 5 किलो, 5 किलो का, 5 किलो का मिल रहा है, 20 किलो राशन मिल रहा है, चावल और मिला कर के। राहुल गांधी कह रहे हैं 8,500 रुपया भेजेंगे, अब ये नहीं मालूम हम भूख भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, हमको तो कोई किसी ने नहीं भेजा है। महिलाओं के खाते में उन्होंने वादा किया है, करें कि भेजेंगे? नहीं, हमको नहीं मिला भाई, हम कैसे बताएं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मोदी जी आपके हिसाब से ठीक चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। क्या लगता है कोई नया कल्पनाथ राय आएगा इस चुनाव के बाद? नहीं, नया वो ईसा नेता नहीं जन्मा है, ईसा नेता नहीं हो पाए। नहीं नहीं नहीं। तो इधर तो बस बता रहे लोग की हाथी निकल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साइकिल निकल रही है। वो कहते हैं, कहते रहेंगे। हाँ, लोग तो साइकिल भी कर रहे हैं, साइकिल भी जल्दी चल रही है, कमल भी कर रहे हैं, कमल भी खिल रहा है, सब खिल रहा हो तो वोट तो आएगा ना, क्या होगा, सब कैद में बंद है, सब आपके दिल में है, सब आपके दिल में है। हाँ, जानता नहीं है, समय आएगा वोट मार देंगे, मार देंगे, हक है हमारा। क्या लग रहा है जो 10 साल सरकार चली, परेशान थे क्या? परेशान तो भाई सभी है, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी है, हर चीज है कि नहीं, इसलिए भैया कहना अभी नामुमकिन है, हो सकता है इसे अच्छा भी करे नहीं भी कर। मोदी जी कह रहे हैं देश को विश्व गुरु बना दें, उनकी सोच अलग है, उनकी सोच है, वो ये डरवाते हैं, वो डरवाते हैं कि बात नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं 10 किलो राशन देंगे, ये भी एक हवाई हवाई है, ये इलेक्शन का पैर नहीं है, 15 लाख पा गए। अरे हाँ, अरे होटल वाला ना हो रहा है यार, अभी तो जो सरकार आई है तो तबाह कर कर रखते हर मजदूरों को, यही तो चल रहा है, परेशान हो गए। हाँ, परेशान तो ही है, सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपये की सब्जी एक बेला पकती है, गोद लेने जाओ तो 100 रुपये में एक बेला पकता है, छठो आठो परिवार है, और लूम चलाते हैं तो कुल 100-150 रुपये काम 200 रुपये का होता है, कहाँ से पेट भरेगा। परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, सबको दिक्कत है, खाली हमी को नहीं है। तो राशन वशन तो दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, करें कि आवास दे दिए, रोड बनवा दिए भाई, आवास दे दिए है तो मान लो कि मड़ई डाटे में रहते तो उनका तैयार हो गया घर द्वार, यानी आराम से रह रहे हैं, बाकी तो खाने पीने की हर चीज की तंगी है कि नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, हमने स्थानीय जो व्यवसायी थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कारोबार जो है वो चौपट हो गया, इसकी वजह क्या है? ये माल बिकवा ही नहीं करेगा तो चौपट है ही नहीं, मजदूर घर में लूम लगा करके और मजदूरी नहीं पा रहा है, जा रहा है सेठिया के यहाँ तो मजदूरी नहीं मिल रही है,
वो कर रहा है बिनने का ही नहीं, तलने का ही नहीं, माल बिकता ही नहीं, क्या करेंगे चलवा के।